अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथी, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूं। साथियों, यदि आपको कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो, किसी भी तरह की कुवैत की जानकारी चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मुझसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे वहां पे बातें कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम की आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो चलिए साथियों, चलते खबर की ओर, जान लेते हैं सबसे पहली खबर क्या आ रही है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों आ रही है बैंक को लेकर। तो जितने भी वहां पे बैंक है और जो दोस्तों जितने वहां पे प्रवासी काम करते हैं, तो उन लोगों को लोन लेना काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसका वजह दोस्तों यह है कि बैंक की तरफ से दोस्तों नया गाइडलाइन जारी किया गया, नया नियम लागू किया गया। खबर दोस्तों यह है कि केंद्र प्रशासन एंड रिपोर्ट की तरफ से बताया गया है कि लगभग कुवैत में 2.39 मिलियन मजदूर वहां पे काम करते हैं, जिसकी दोस्तों वहां पे 480 दिनार से अधिक मासिक कम है, यानी 480 दिनार के भीतर ही सबकी सैलरी वहां पे दी जाती है, जिनमें से 13.48% जो है वो काम करते हैं सरकारी विभाग में, और लगभग दोस्तों जितना बचते वो सभी के सभी प्राइवेट विभाग में काम करते हैं। तो पहले क्या था साथियों कि लगभग 400-450 जिनकी भी वहां पे सैलरी होती थी महीना, तो उनको वहां पे लोन अब दे दिया जाता था। पर अब नया नियम ये लाया गया है कि जब तक आप 700 केडी कम से कम यदि आपकी सैलरी नहीं होगी, तो आपको किसी भी तरह का लोन कुवैत में अब नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि 700 कुवैती दिनार जो है वो बहुत ही कम वहां पे प्रवासियों के सैलरी दी जाती है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हवाई अड्डे को लेकर आ रही, यानी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ रही। तो साथियों, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में नई नई बातें, नई नई अफवाहें आप लगातार सुनने को आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक खबर सुनाने वाला हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ओवर सचिव डॉक्टर मुस्तफा रेड्डा ने कुवैत को हवाई अड्डे को बंद करने की सरकारी उपाय से इनकार किया है, क्योंकि ये सभी देशों पर बोझ बन रहा है और शायद ही कभी वो इसका सहारा लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अभी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो बिल्कुल बंद अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बंद करने से ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो भी लोग ये सोच रहे थे जिनकी फ्लाइट हो चुकी थी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट को ना को फ्लाइट हो किसी भी तरह की बंद की जाएगी। अगली अपडेट साथियों जो आ रही है बताना चाहूंगा साथियों, कुवैत में लगातार केसेस बढ़ने की वजह से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है साथियों। कुवैत को जर्मनी की तरफ से रेड लिस्ट कंट्री में डाल दिया गया है। दोस्तों लगभग 40 देशों को ऐड किया गया जर्मनी के द्वारा, जिसमें दोस्तों इसमें 5 देश जो है वो अरब के हैं। तो इसमें कौन कौन है चलिए मैं आपको बता देता हूं। अरब हो गया, अरब अमीरात, बहरीन, कतर, मोटेरेनिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, एस्टोनिया, आइसलैंड, स्वीडन और कुवैत भी इसमें शामिल है। तो जर्मनी के द्वारा इन सभी देशों को रेड लिस्ट में जारी कर दिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो एक दोस्तों मान के चलिए काफी बुरी खबर है। खबर दोस्तों ये है कि कुवैतियों को लगातार हर जगह में नौकरी दी जा रही है और जितनी प्रवासी जगह जगह पे निकाला जा रहा है। तो दोस्तों एक खबर ये आ रही है कि जितने भी वहां पे ऑयल की कंपनियां, तेल की कंपनियां जितनी है, वहां पे लगभग 93% लोग जो है वो वहां पे कुवैती काम करते हैं। दोस्तों एक केपीसी जो कंपनी, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, 2021 का आंकड़ा ये बता रहा हूं मैं, इसमें 93% कुवैती काम करते हैं और 98.39% जो है वो केजीओसी कंपनी में काम करते हैं। वहीं पे 98% लगभग वहां पे केओसी कंपनी में काम करते हैं और 90.86% दोस्तों लगभग वहां पे इसमें भी 98% लोग काम करते हैं कुवैती। और जो दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है केएनपीसी, इसमें 89.4% कुवैती काम करते हैं और जे केपीआईसी जो है उसमें 94% लोग दोस्त कुवैती ही इसमें काम करते हैं। तो लगातार दोस्तों इसमें कुवैतियों को ज्यादा नौकरी दी जा रही है और बाहर के प्रवासियों को इससे कंपनियों से निकाला जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।